आज से हम प्रैक्टिकली वर्डप्रेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज से हम प्रैक्टिकली वर्डप्रेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम आज वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे प्रैक्टिकली सी पैनल से। मैंने आपको तमाम इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल के अंदर दिया और बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई जो वर्डप्रेस स्टार्ट होने से पहले, वर्डप्रेस पे काम करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो आज हम डिटेल के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे बिल्कुल इजी स्टेप्स के अंदर। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास जो है ब्लू होस्ट, यहाँ से हमने होस्टिंग और डोमेन परचेज़ की है, उसका इंटरफेस अवेलेबल है और सिंपल हम यहाँ पे सी पैनल में जाएंगे। हमें पता है सी पैनल में जाने के लिए हमें एडवांस पे क्लिक करना होगा और हम इसके सी पैनल या कंट्रोल पैनल पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे हम एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा होगा, हम थोड़ा स्क्रोल डाउन करेंगे, सॉफ्ट क्लाउस इंस्टॉलर और वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्ट क्लाउस, राइट? तो यहाँ पे हम कई ही जगहों पे ये ऑप्शन आ रहा होगा कि इंस्टॉल सॉफ्टवेयर या इंस्टॉल वर्डप्रेस समथिंग लाइक दैट, और कहीं पे ये ऑप्शन आ रहा होगा सॉफ्ट क्लाउस ऐप इंस्टॉलर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सॉफ्ट क्लाउस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वर्डप्रेस का, सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे और यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स इनपुट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे HTTP HTTPS करेंगे, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो अगर आपका, हम ऑलवेज HTTPS सिलेक्ट करेंगे और अगर आपका जो है, आपको ब्लू होस्ट ने ऑलरेडी फ्री SSL दे दिया है जिससे आपका वेबसाइट जो है वो सिक्योर रहेगा इस तरह से, राइट? जैसे यहाँ पे देखें कनेक्शन इज सिक्योर, आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे इसी तरह से देखने को मिलेगा और जो अनसिक्योर वेबसाइट्स होते हैं, नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे यहाँ पे लिखा होता है अनसिक्योर वेबसाइट्स। तो हमें HTTPS पे सिलेक्ट करना है और हमारे पास SSL क्योंकि है ऑलरेडी। SSL क्या होता है आगे चल के मजीद इस पर भी बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना डोमेन सिलेक्ट कर लिया क्योंकि एक ही डोमेन हमने इसके साथ कनेक्ट किया है, तो एक ही डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे हमारे पास है डायरेक्टरी, तो हमने इस डायरेक्टरी को सिंपल छोड़ देना है क्योंकि हमने इसको नॉर्मल रूट डोमेन के ऊपर ही इंस्टॉल करना है, इसको हम रूट डोमेन कहेंगे, ओके? और यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी सिलेक्टेड है 6.0। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप अपना जो है साइट का नाम और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, वो हम वर्डप्रेस में बाद में भी एडिट कर सकते हैं अगर ना देना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज एहसान, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से @ehsandanush123। लेट्स से मैंने एक सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पे रख लिया और ईमेल में यहाँ पे लिख सकता हूँ कोई भी ईमेल, अपना जीमेल भी आप लिख सकते हैं, ये जो आप ईमेल आपने बनाया था, ईमेल आपने वो लिखना है कि जो आपके एक्सेस में हो, कोई भी इशू आया आपकी वर्डप्रेस के अंदर या कोई भी जो है वो एरर आया या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आती है तो उस ईमेल पे आपको ईमेल आ जाया करेगी, ओके? राइट नाउ मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ हेलो, वही वाला जो मैंने बनाया था। आप अपना जीमेल, हॉटमेल या ओमेल कोई भी ईमेल दे सकते हैं। उसके बाद मुझे किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना और सिंपल मैंने बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप कोई थीम सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं कोई थीम सेलेक्ट नहीं कर रहा और सिंपल यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। तो यही सारे ऑप्शन हर जगह आपको मिलेंगे, इसी तरह से इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ओके? तो हम देखते हैं हमारे पास इशू क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो एक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोल्डर, अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो आपने सिंपल इसको सिलेक्ट कर देना है चेकबॉक्स को और वापस आके आपने इंस्टॉल कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास वर्डप्रेस। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ये लेता नहीं है, फ़ौरन से इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 24% 25% ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, मज़ीद ये 1-2 मिनट और लेगा या उससे भी पहले इंस्टॉल हो जाएगा। तो तब तक हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो
यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास उसका जो है चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, उसकी लॉगिन यूआरएल्स और सारी चीज़ें। अब आपने इस डोमेन के ऊपर इंस्टॉल किया, अगर मैं इसको कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र के अंदर चेक करूँगा तो अब हमारी वेबसाइट एक्चुअल में लाइव आ चुकी है। अभी हमने उसको डिज़ाइन नहीं किया, जस्ट हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है और हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव आ चुकी है। अब इस वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इसको हमने डिज़ाइन करना है, मज़ीद वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बट राइट नाउ हमने सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक वर्डप्रेस का फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड। ये किसी भी वेबसाइट का एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। अब ये एक सी पैनल है, ठीक है, जहाँ से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, ये एक सी पैनल था हमारे पास, ठीक है। ये होस्टिंग का सी पैनल, होस्टिंग की फाइल्स यहाँ से मैनेज होंगे, लेकिन वर्डप्रेस की मैनेजमेंट वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से होगी। वो किस तरह से हम एक्सेस करेंगे? जिस वर्डप्रेस वेबसाइट पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, जिस डोमेन के ऊपर, उसके ऊपर आपने, उससे आगे आपने लिखना है /wp-admin। ओके, ये लिखने के बाद आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। तो लेट मी लॉग इन इट क्विकली। तो यहाँ पे देखें, ये हमसे मांग रहे हैं, हमने यूजर नेम एहसान दानिश दिया था और यहाँ पे पासवर्ड दिया था, और मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, राइट। तो ये जो है पासवर्ड, यूज़र नेम हमारा गलत बता रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से हमारा यूज़र नेम एडमिन ही था, और मैं इसको पासवर्ड को एक बार डबल चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये अगेन गलत है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल दूँगा। अब मुझे यूज़र नेम भूल गया, तो मैं यहाँ पे ये https में ख़त्म कर दूंगा। यही ईमेल मैंने डाला था इंस्टॉलेशन के टाइम, और पासवर्ड, अब मैं इसको लॉगिन करूंगा, तो आई होप इसको लॉगिन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये लॉगिन हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये पूरा डैशबोर्ड है हमारे पास, इसको बहुत ही डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो भी काम होने वाला है वो इस डैशबोर्ड से होने वाला है, ना कि इस वाले से, क्योंकि ये होस्टिंग के मैनेजमेंट है और ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। क्योंकि अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हमने सारा जो मैनेज है अपनी वेबसाइट यहाँ से करनी है, राइट। अब देखिए, ये इसका फ्रंट एंड है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास इसका बैक एंड है। कोई भी डाटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कोई भी डिज़ाइन करना है, हमने कुछ भी डालना है, इमेज डालनी है अपनी वेबसाइट, वो सारा कुछ हम यहाँ से मैनेज करेंगे। और ये फ्रंट एंड है जो यूज़र्स को नज़र आएगा, और यहाँ से जो भी काम था हमारा ऑलमोस्ट वो हो चुका है। और कोई यहाँ पे काम हुआ तो वो हम देखेंगे। अभी मज़ीद मैं आपको वही फाइल्स दिखा देता हूँ जो हमने सी पैनल को ओवरव्यू में देखा था। तो यहाँ पे देखें, अभी हमारी ये भी कंज्यूम हो चुकी है डिस्क स्पेस। और यहाँ पे अगर मैं फाइल्स में जाऊँ तो यहाँ पे देखें, फाइल्स के अंदर जो है वो सारे वर्डप्रेस का जो डाटा आ चुका है हमारे पास। और अगर मैं PHP माई एडमिन के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा डेटाबेस भी ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो चुका है, कनेक्ट भी हो चुका है, और हमारा वर्डप्रेस सिर्फ सिंपल से स्टेप्स के अंदर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास डेटाबेस भी जो है वो टोटली क्रिएट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं जस्ट सिंपल फ्यू क्लिक्स के साथ। तो बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।